महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकरा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां. rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां. ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी. मध्यवर्ती रुग्णालयातील थॅलेसेमियाग्रस्त रुग्ण आणि त्यांच्या पालकांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी मानसिक त्रास एक खासगी व्यक्ती देत असल्याची तक्रार पालकांनी केली. त्यांच्यावर कारवाई न केल्यास 15 ऑगस्ट पासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात थॅलेसेमियाग्रस्त रुग्णांसाठी 2013 पासून स्वतंत्र वॉर्ड बनवण्यात आला आहे. या ठिकाणी थॅलेसेमिया रुग्णांची संख्या 120 घरात असून दर 15 दिवसांनी रक्त चढवावं लागत असत. परंतु या ठिकाणी अशोक खटुजा नामक व्यक्ती येथील थॅलेसेमियाग्रस्त रुग्णांना आणि पालकांना मानसिक त्रास आणि मुदत संपलेलं औषध देत असल्याची तक्रार पालकांनी आज डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन देत केली. तसेच वॉर्ड बंद करण्याची धमकी देत असल्याचा आरोपही केला आहे. अशोक खटुजा हे NGO माध्यमातून मध्यवर्ती रुग्णालयात थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांसाठी मदत करत असतात. परंतु मानसिक त्रास आणि मुदत संपलेल्या औषधे थॅलेसेमियाग्रस्त रुग्णांना देत असेल आणि त्यातून जर एखादा रुग्ण दगावला तर त्याला जिम्मेदार कोण असा प्रश्न आता पालकांनी उपस्थित केला आहे. अशोक खटुजा या व्यक्तीवर तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा 15 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदन त्यांनी मध्यवर्ती रुग्णालयात दिले आहे. हमने आज डॉक्टर सुधाकर शिंदे जी को लेटर दिया है. हमें यहाँ इंसाफ चाहिए. यहाँ पार्शलिटी होती है थैलेसेमिया वार्ड में हमारे बच्चों के साथ. करीब कुछ महीने पहले हमें पहली बात तो ये कि एक्सपायरी डेट गोलियाँ दी गई थी. ये पहला मुद्दा है. और दूसरा मुद्दा ये बच्चे को फ़ोन करके बुला कर फिर रिटर्न करते हैं, ये करते हैं. और दूसरी बात, हमारे लिए गलत बातें की जाती है लेडीज़ के लिए. और अभी ये पार्शलिटी हुई है कि हमारे लिए न्यूज़ बनाई गई है. हमने उनका मान रखा, जो भी बात थी लेटर दे रहे थे हम या डीन के साथ बात कर रहे थे हॉस्पिटल में, हमने उनका मान रखा. और इन्होंने न्यूज़ में हमारा नाम ख़राब किया है झूठ झूठ बोल के. अपनी जो ये मेजॉरिटी इन्होंने थैलेसेमिया बच्चों की दिखाई है, बच्चों को असलियत नहीं बताई कि हम यहाँ न्यूज़ बनाने के लिए या काजल बलवानी और भावेश बलवानी और आशीष गजवानी और हरेश गजवानी जी के मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया गया है, ये नहीं बताया गया बच्चों को, ऐसे ही बुलाया गया. और उनमें से जो बच्चे दिखाए गए हैं उनमें से कुछ बच्चे यहाँ ब्लड नहीं चढ़ाते, कुछ बच्चे यहाँ ब्लड नहीं चढ़ाते. और रही बात मेरी, मैंने किसी बच्चे को तकलीफ़ नहीं दी है किसी प्रकार की, तो मेरे खिलाफ़ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता. मेरा बच्चा उस दिन रो रहा था. क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने सिस्टम चेंज किया था. बच्चा घूम रहा था, कभी 11 नंबर, कभी 12 नंबर, कभी 17 नंबर में जाओ, ये घूमते घूमते वो परेशान हो गया था. और मैं उसके लिए नाश्ता लेने गई थी, उस दरमियान वो रो रहा था. उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ से वो परेशान हो गया था इसलिए रो रहा था. ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती. मेरे बच्चे को मैं ही संभालती हूँ. आज तक किसी ने पानी तक नहीं पिलाया. सबसे बड़ी बात यह है, इस परेशानी का डिवाइड एंड रूल हो रहा है. अभी हो रहा है डिवाइड एंड रूल. कुछ स्पेशल बच्चे हैं. अभी कुछ आप थैलेसेमिया ग्रुप का चैट देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, अभी किसी दिन में 4 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और किसी दिन में 22 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है. ये भेदभाव है यहाँ पे. कौन कर रहा है ये भेदभाव? मिस्टर अशोक खटुजा. अशोक खटुजा जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं. अब आपकी मांग क्या है और आपने क्या लेटर दिया है? हम यहाँ आए 2013 में, तभी हम सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सरकार हमारी जिम्मेदारी ले, इसलिए आए थे. मैं आज भी यही कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी ट्रीटमेंट, थैलेसेमिया बच्चों को, सारों बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. यहाँ सिस्टमेटिकली होना चाहिए. ये एक ही इंसान डिसीजन ले, ये सही नहीं है, गलत है ये बात. सर, मेरा लड़का 18 साल का है, आशीष गजवानी, थैलेसेमिया मेजर है. 2013 से यहाँ पे हम लोग ब्लड चढ़ा रहे हैं. इसके पहले हम KEM में चढ़ाते थे, लेकिन अभी 2 महीने से ये हमको बहुत ब्लैकमेल कर रहा है. सबसे ज़्यादा डोनर देने के बाद में भी ये ब्लड देता नहीं है.
और तेरी औकात क्या है, तुमको कुत्ता नहीं पूछता है और बच्चे को भी अरे तुरे करता है, हर बार बच्चा रो के आता है, बच्चे को बहुत टॉर्चर करता है। तो हमने जब इसका विरोध किया तो ये हमको गुंडा बोलने लगा कि इनको बदतमीज है ये वो, मतलब अगर हमने हमारा विरोध किया इसके ख़िलाफ़ तो ये हमको गुंडा बनाने लगा है, तो फिर ये देश आज़ाद है या गुलाम है? विरोध करने भी नहीं देता है तो हमको कोई आज़ादी नहीं है क्या? अपना विरोध भी हम लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? तो हमने ये बातें आमदार साहब के पास भी रखी है और डॉक्टर साहब के पास भी रखी है, आयुक्त साहब को भी दिया है महानगर पालिका में, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा, हमको गोल गोल घुमा रहे। इसके लिए हम लोग अभी ये निवेदन पत्र दिया है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे है, उस दिन हम लोग अपना हम लोग आज़ाद है और आज़ादी के दिन हम लोग यहाँ पे ओपोजिशन करेंगे अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो। अशोक खटुजा से हम लोग बहुत परेशान है, वो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांनी दिली आहे। जो वाद एक्सटर्नल फोर्सेसनी निर्माण केलेला आहे तो वाद हॉस्पिटलशी निगडीत असा नाही आहे, त्यांच्या वैयक्तिक हेवेदाव्यामधून आणि प्रेस्टिज इश्यूमधून तो वाद निर्माण झालेला आहे। एन जी ओ जे चालवतं, एन जी ओमार्फत तो जो वॉर्ड चालवला जातो ते श्री अशोक खटुजा त्याचे इन्चार्ज आहेत आणि ते वॉर्डची मॅनेजमेंट करतात, परंतु त्याला अटॅच आपली ब्लड बँक आहे आणि ब्लड बँकचे जे कर्मचारी डॉक्टर्स वैद्यकीय अधिकारी त्याची पूर्ण देखभाल करतात। 2013 हा वॉर्ड अस्तित्वात आला आणि आज तक तो व्यवस्थितपणे चालू आहे आणि आत्तापर्यंत 120 जे रुग्ण आहेत थॅलेसेमियाचे त्यांना आपल्याला या ठिकाणी ब्लड ट्रान्सफ्युजन आठवड्यातून 2 द्यावं लागतं, त्यांची तपासण्या करावं लागतात, इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागतात, इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर आपण त्यांना ब्लड ट्रान्सफ्युजन देत असतो। त्यांना वेळोवेळी ब्लड ट्रान्सफ्युजन देण्यासाठी हॉस्पिटलची ब्लड बँक जी आहे ती कर्तव्यदक्षपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करते। नुकतंच कालच एक रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले, त्या ठिकाणी जवळजवळ 83 ब्लड बॅग्स कलेक्ट करण्यात आल्या आणि ब्लड बँकमार्फत जे थॅलेसेमियाला ब्लड दिलं जातं तसेच हॉस्पिटलचे इतर जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत उदाहरणार्थ ऑपरेशन्स, सिझेरियन सेक्शन्स, द ॲक्सिडेंट, ॲनिमियाचे पेशंट अशा रुग्णांनासुद्धा आपण ब्लड हे देत असतो, परंतु जे ब्लड डोनेशन कॅम्प होतात त्यातून जे रक्त उपलब्ध होतं, ब्लड्स उपलब्ध होतं, ते मेजॉरिटी आपण थॅलेसेमिया पेशंटला देतो। त्यामुळे थॅलेसेमिया वॉर्ड हा अद्ययावत तर आहेच, परंतु व्यवस्थित त्याची देखभाल केली जाते। परंतु ह्या 2 ज्या गटामध्ये जे वाद निर्माण झाले आहेत आणि प्रेस्टिज इश्यू निर्माण झालेले आहेत त्याच्यामुळे थोडी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे। नुकतीच आज एक मीटिंग झाली, 3 दिवसापूर्वी एक मीटिंग झाली, तर त्यामध्ये समन्वय साधवण्यासाठी दोन्हीकडील जे व्यक्ती आहेत, दोन्ही गटातील व्यक्ती त्यांना एकत्र बसून त्याच्यातून समपचाराने आम्ही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि उच्चस्तरीय कमिटी नेमून जे काही त्यांनी आरोप केलेत, प्रत्यारोप केलेत, त्याची शहानिशा करून अहवाल आम्ही सादर करणार आहोत। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।